बहुत संख्या है ना वो वन है। यहाँ से करीब 4 किलोमीटर स्टेशन है हिंदवी का रेलवे स्टेशन। फिलहाल तो अभी पैदल जा रहा हूँ, देखता हूँ रास्ते में कोई अगर लिफ्ट मिल जाए तो मैं सीधा स्टेशन की तरफ चला जाऊँगा। आते ही थोड़ी देर 5 मिनट खड़ा रहा और लिफ्ट मिल गई है। एक भाई साहब जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ तकलीफ़ है क्या, तो मैंने बोला हाँ आगे जाना है, तो उन्होंने खुद बोला कि आगे बैठ जाओ। तो यहाँ के लोग रियली बहुत अच्छे होते हैं और आप जितना चाहे उतना हेल्प कर सकते हैं। निनवी रेलवे स्टेशन, यू नो योर चेन? या माय चेन। ओके आपको ट्रैवलिंग में तो अगर कुछ पैसे बचाने हैं तो हिचाइक तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज थोड़े थोड़े पैसे आपको बहुत खर्च होने वाले हैं। किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर आप जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप पैसे बचा सकते हैं जब भी आप टूर करते हैं। तो मुझे यहाँ स्टेशन के एकदम बाहर मुझे ड्रॉप कर दिए हैं और मैं पहुँच गया हूँ निनवी रेलवे स्टेशन के पास। वो देखिए मेरे पीछे देख रहे हैं, वो निनवी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी होगी आई थिंक हनोई, जिसे कवर करने में 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। अब ट्रेन लेट है कि नहीं इसके बारे में अंदर जाके पता करना पड़ेगा और देखते हैं, चलते हैं आगे। यहाँ पे आप एक बात है, वियतनाम में आप वियतनाम के रेलवे स्टेशन पे ना यानी प्लेटफॉर्म पे तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक कि ट्रेन नहीं आएगी, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ गेट जो है वो क्लोज है,
वो देखेंगे मेरे पीछे ना गेट जो है ना वो क्लोज है, सो शायद इसलिए क्योंकि अभी ट्रेन आई नहीं है, जब ट्रेन आएगी या उससे पहले तब ये गेट को खोल दिया जाएगा। सो फिलहाल मैं कंफर्म करता हूँ कि मेरा टिकट इसी ट्रेन में है या नहीं है, तो अगर है तो कैसा है। ठीक है, ये कुछ घंटी बजी है तो शायद हो सकता है कि ये रेलवे आने का ही होगा। आई थिंक सब लोग जा रहे हैं। सो मैं भी चलता हूँ और फिलहाल आपसे बाद में बात करूँगा। टिकट चेक हो रहा है, टिकट चेक होने के बाद भी ये अंदर जाने देंगे, राइट? उन्होंने मुझे बताया है कि आपका जो टिकट नंबर है वो इस साइड होगा, सो मैं इस साइड जा रहा हूँ। और यहाँ का रेलवे स्टेशन काफ़ी साफ सुथरा है, रियली मैं दिखाता हूँ यहाँ का रेलवे स्टेशन। सो ये है वियतनाम का, वहाँ पे आप देखेंगे निनवी रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है, एंड ये एक प्लेटफॉर्म है, दूसरा एक उस साइड प्लेटफॉर्म होगा। आई थिंक दो ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। या हेलो, हे हाय, चिन चाओ। सो अपने इंडिया में क्या होता है कि कम से कम 4-5 प्लेटफॉर्म होते हैं और प्लेटफॉर्म पे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब तक ट्रेन नहीं आएगी आप प्लेटफॉर्म पे आ नहीं सकते हैं। सो ट्रेन आने वाली है, हम वेट करते हैं। आई थिंक ट्रेन दिखाई भी दे रही है। योर कोच नंबर 1? ये 1। या माय इज आल्सो 1। या एक्सपेक्टेड पोजीशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3 ये लिखा हुआ है, तो ये एक्सपेक्टेड पोजीशन है। cái này là tấm kính thông minh à? Anh đâu? Dạ. मुझे तो सिर्फ 90 किलोमीटर ट्रैवल करना है। One. Okay. Why did you go ahead?
56. अब मैं अपना सीट ढूंढ रहा हूँ कि मेरा सीट कहाँ पे है। आगे होगा, सॉरी एक्सक्यूज मी, यहाँ पे बीच में स्पेस काफी ज्यादा है। फिफ्टी सिक्स। ट्रेन खुल गई है, सबसे पहले सामान अपना रख देता हूँ। अब भाई साहब बगल में मेरे अंकल बैठे हुए हैं। ये ट्रेन जो है ना सायगांव से आती है, यानी होची मिन सिटी से आती है, और होची मिन सिटी टू हनोई ये एक लंबा स्ट्रेच है, करीब 1600 से 1700 किलोमीटर का। बहुत सारी ट्रेन चलती हैं, जिसमें री यूनिफिकेशन जो ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम अलग अलग था, उसके बाद जब दोनों वियतनाम मिल के एक वियतनाम बना, तो उसके बाद से री यूनिफिकेशन ट्रेन लॉन्च हुई, और उस ट्रेन का नाम ही ये है AC-8। तो फिलहाल मैं दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। चार्ज करने के लिए आपको प्लग मिल जाएगा, और ये एसी है, एसी कंपार्टमेंट है। सो फेयर भी ज़्यादा तो है, करीब करीब 90 से 100 किलोमीटर का इसका चार्ज लगा है, 150,000 डोंग। सो करीब करीब अगर देखा जाए तो 500 रुपये के करीब लगा होगा यहाँ से। सो लगभग सेम भी बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छी ट्रेन है, राइट टाइम आ गई थी यहाँ पर। अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक दोनों टाइप की बियर उपलब्ध है पीछे में, और ड्रिंक खरीद सकते हैं सेम लाइक जैसे अपने इंडियन रेलवे में होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड ये है कि यहाँ पे कैरेज जो टाइप का होता है उसमें से लेके ये लोग बेच रहे हैं। अपने इंडिया में तो वही हाथ में बाल्टी लेते हुए जाते हैं, या फिर कोई लेके आया, ऐसा कैरेज सिस्टम नहीं है, बट यहाँ पर कैरेज सिस्टम है, और अल्कोहल बिक रहा है अपने इंडिया में। सीट भी काफ़ी आगे, काफ़ी स्पेसियस है यहाँ पे, देख सकते हैं। अभी कोई स्टेशन आने वाला है, क्योंकि तीन तीन का घंटी ही बजा और कुछ अनाउंसमेंट हुआ है वियतनाम में, और बाकी सब लोग खड़े हो गए हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि जितने भी लोग हैं कंपार्टमेंट के वो बार बार घूर के देख रहे हैं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है कि क्या करूँ मैं। सो फिलहाल मिलेंगे हनोई में, अभी भी हनोई पहुँचने में करीब करीब आधा घंटा बाकी है। सो 7:10 इसका एक्चुअल टाइम है पहुँचने का हनोई में।
और हनोई में मैंने एक हॉस्टल बुक कर दिया है जो $4 का है, $4 अराउंड 300 रुपये का हॉस्टल है। और लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, पूरा पानी भरा पड़ा है। अब हनोई पहुंचने वाले कुछ क्षणों में, और जैसे ही पहुंचने वाले हैं गाना बजने लगा। और एक बात, यहाँ पे आज कोई टूटी टिकट चेक करने के लिए नहीं आया है, अपने इंडिया में भी नहीं आता है, वैसे कभी कभी यहाँ भी नहीं आया। लेकिन मैंने टिकट कर लिया था, और वो टिकट का प्राइस मैं पहले बताती हूँ, 400 से 500 लगा था मुझे। बहुत क्यूट है, यहाँ के बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, राइट? सॉरी, khí hậu Hà Nội tiêu biểu cho khí hậu Bắc Bộ với đặc điểm là khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, mùa hè nóng mưa nhiều. Quý khách, đoàn tàu đang đưa quý khách về ga Hà Nội là ga cuối cùng của hành trình. तो खाली जाने का वक्त हो गया है, अब मैं निकल रहा हूँ ट्रेन से। सो राइट टाइम थी एकदम ट्रेन, पक्का इसको 7 बजे टाइम था इसका पहुंचने का, और 7 बजे पहुंच गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन आगे तक जाएगी, ये इसका वॉशरूम है। इसका सेकेंड कंपार्टमेंट आई थिंक जैसे 2 टायर एसी क्लास होता है वो ऐसा है, लेकिन काफ़ी महंगा है ट्रेन, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं इससे अच्छा आप फ्लाइट से चल जाइए। अब बाहर जा रहे हैं, बस निकल गए हैं गेट से। ये स्टेशन का सिर्फ बाहर का एरिया है, और यहाँ पे आपको हनोई लिखा हुआ मिलेगा, राइट? सो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं स्टेशन से निकल गया हूँ, और यहाँ से मेरा हॉस्टल करीब 800 मीटर की दूरी पे है। सो मैं चाहता तो ग्रैब यूज कर सकता था, यानी बाइक बुक कर सकता था, लेकिन मैं नहीं किया, क्योंकि अगर आप इतनी छोटी छोटी दूरी के लिए अगर आप बाइक बुक करेंगे तो आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
इसलिए जब आप सिटी में आए तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पैदल चले, उससे आपका पैसा ही बचेगा और आप सिटी को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। हैलोंग बे। हैलो भाई। हैलोंग बे टूर डू यू प्रोवाइड? अपर साइड washroom, toilet. A toilet. Yeah. There is.